हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम वो माहिर मईशत डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना की जद में आ गए हैं। मौसूल इतलात के मुताबिक उन्हें दिल्ली वाके एम्स के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। ये खबर फैलने के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद सियासी हस्तियों ने उनके जल्द सेहतियाब होने की दुआ की। यहाँ काबिल जिक्र है कि 18 अप्रैल को ही मनमोहन सिंह ने कोरोना बहरान के ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने हुकूमत को कई मशवरे दिए थे। खत में मनमोहन सिंह ने लिखा था कि हुकूमत को ये बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन का क्या स्टेटस है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ये इशारा देना चाहिए कि शफाफ फार्मूले की बुनियाद पर रियासतों में उनकी हस्ब जरूरत फराहमी को कैसे तय किया जाएगा।